आज मैं बिल्कुल सही टाइम पे आई हूँ, लंगर बट रहा है इस्कॉन टेम्पल में। वो आ जाए चावल और छोले। अच्छा आज है राजमा चावल। माता जी कहाँ देख रहे हो? प्रसाद स्कूल नहीं है। अच्छा आलू की सब्जी भी है और डाल दीजिए, कौन सी और डाल दीजिए। बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं आई हूँ और आज मुझे मिल रहा है लंगर इस्कॉन टेम्पल में। वैसे तो मैं दूसरे वाले गेट से एंट्री करती थी, वो जो सीढ़ियाँ वाली है, तो आज पता नहीं मेरे कदम इस तरफ पड़े तो मैंने देखा हॉल खुला हुआ है, मेरे को बहुत भीड़ लग रही, पता नहीं क्या बात है। मुझे तो था ना डाउट हुआ शायद लंगर बट रहा होगा, तो मैं लाइन में लग गई। मैं लगती रही चलती रही, मेरा डाउट क्लियर निकला और ये लंगर हॉल है। वाह यार, हरे कृष्णा यार, हरे कृष्णा। ये होता है जिनकी आत्मा क्लियर होती है ना, साफ होती है, भगवान उन्हें प्रसाद जरूर देता है। मैं अकेली आई हूँ, ऑल अलोन। ये देखो कितने लोग प्रसाद खा रहे हैं, भाभी भी खा रही है। यहाँ पे ना हाथ से खाते हैं, स्पून नहीं होता। हरे कृष्णा। राजमा चावल और आलू गोभी की सब्जी है भाई, भर के चावल दिए हैं, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। लंच भी करके नहीं आई तो। ये है इस्कॉन टेम्पल दिल्ली का संत नगर में, और ये है मेरी थाली राजमा चावल। चावल देखो कितने सफिशिएंट हैं, और आलू गोभी की सब्जी। अभी ये प्रभु जी पूरी दे रहे, प्रभु जी एक और पूरी मिल जाएगी, थैंक यू। एक और पूरी मिल गई यार, एक हाथ से करना पड़ रहा है क्योंकि एक हाथ ना मेरा ना राजमा चावल में हो गया है। आज मिल गया प्रसाद, संडे है आज इसलिए प्रसाद मिल गया। ऐसे मेरा मन करा यार इस्कॉन टेम्पल चलो यार, मौसम भी सही हो रहा है। ये होता भगवान का बुलावा। सौ रुपये का नोट, तो मैंने कहा 100 रुपये का नोट लेगा तो मेरे पास किराया नहीं रहेगा, या घर वाली कुछ कहेगी तो घबरा गया, तो 100 रुपये का ये कारण भी हो सकता है। भगवान को पैसे नहीं देगा, ये भी होता है। He is super active in speaking man. He is super active in talking. Actually क्या हुआ, इतना सारा प्रसाद दिया यार, इतना सारा चावल दिया और राजमा दिया, और मैंने ना लालच में ना सब्जी ले ली दो बारी, और फिर बाद में मिली पूड़ी तो मैंने पूड़ी खा ली। अब मेरा पूड़ी से पेट भर गया क्योंकि मुझे ज़्यादा खाने की आदत नहीं है, और वैसे भी सर्दी है, सर्दी में मैं खाती हूँ कम। अब मैंने जब पूड़ी खा ली मेरा पेट भर गया, मुझे खाना करना है पैक, तो मैंने मांगी पॉलिथीन में मैं लेके जा रही हूँ घर प्रसाद। तो ये मैंने चावल पैक कर लिए प्रसाद की पॉलिथीन, मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके, तो एक अंकल जी की ना जैकेट में पॉलिथीन थी, मैं अंकल जी प्लीज़ पॉलिथीन दे दो उन्होंने। भाई ये होता है कि जब आप प्रभु के घर आओ ना, बस एक अर्जी लगाने की जरूरत पड़ती है और भगवान बस सारी तुम्हारी ना इच्छाएं पूर्ण करता जाता है।
सच्चे दिल से बोलते जाओ भगवान जी को अपनी रिक्वेस्ट सारी, बस मैं तो ये बोल रही हूँ। अभी भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो मैंने आज खा लिया लंगर इस्कॉन टेम्पल में। मेरे ख्याल से पट जो है ना मंदिर के खुलेंगे 4 बजे, अभी 3 बजे हैं। तो लंगर इतना सारा मिला ना, मतलब चावल, राजमा और आलू गोभी की मिक्स सब्जी। फिर जब मैं खाना खाने बैठ गई, फिर 2 पूड़ी भी मैंने ले ली, मेरा पूड़ी से पेट भर गया। और चावल मैं पैक करवा के लेके जा रही हूँ घर खाना, क्योंकि मेरे से ओवर ईटिंग नहीं होती है। और सर्दी में जितना पेट में कम खाना खाओ ना उतना अच्छा है। और पूरी खा ली, पूरी तो वैसे भी बहुत देर में डाइजेस्ट होगी। तो मैं ना पॉलिथीन मांगती रही, मैं ना प्रभु जी पॉलिथीन दे दो। एक प्रभु जी के पास जैकेट में ना बिल्कुल फ्रेश पॉलिथीन रखी हुई थी, मेरे घर से ना लोग लेके जाते होंगे ना, तो रखी हुई थी। Rather to take lasan pyaaz aati. Yes. Lasan pyaaz aati. I shall prefer to die. मरना कबूल है। ये 4 दिन मुझे लगे इसका फैसला करने के। मेरे घोड़े दर्द होते थे। डॉक्टर कहते हैं वो खाओ, लसन खाओ, वो लसन नहीं खाओ। अच्छा नहीं, लसन खाओ। अच्छा तो भगवान कहते हैं लसन नहीं खाना है। तो फिर मैंने अच्छी को भगवान की बात मानी और उसके बाद चमत्कारी बिल्कुल बिल्कुल बड़े चमत्कार बहुत चमत्कार बिल्कुल बिल्कुल आई शैल प्रेफर टू डाई। मेरे दोस्तों 2:30 बजे पहुंच जाते थे, 2:30 बजे तो 2:30 बजे वो बड़ा बड़ा उनके साथ बड़े बड़े अच्छे लोग हुए हैं, 2:30 बजे चले जाते जहाँ पहुंच जाते थे। तो मैं 4 बजे से पहले पहुंच जाता था। तो मेरी घरवाली कहती है तो बीमार हो जाएगा। मैं कह मेरे से गलती हो गई, मैंने कहा तेरे को मैं बर्फ़ वाले पानी से नहा कर दिखाऊँगा। बहुत फिर डॉक्टर बोलते थे लहसुन खाओ ये, और अंकल ने बोला तो वो ही जो मैं कहती हूँ, अंकल जी कह रहे हैं कि ना डॉक्टर लोग बोल रहे हैं छूट गई है, चाय की जगह मैं दूध पी लेता हूँ। हाँ चाय की जगह मैं दूध। हाँ तो अंकल जी बोलते हैं, इनको डॉक्टर लोग बोलते थे कि ना अगर तुम्हें जोड़ों में दर्द हो रहा है लहसुन खाओ। और ये बोलते थे भगवान बोलते हैं लहसुन प्याज मत खाओ। तो इनको 4 दिन लगे डिसाइड करने में कि मैं किसकी सुनूँ, तो इन्होंने प्रभु की सुनी। अब ये लहसुन प्याज नहीं खाते, बिल्कुल फिट है। कितनी एज है आपकी अंकल? 92। अखीर को मैं भगवान के पीछे भागता हूँ, माया पीछे मेरे पास ही है, धन बढ़ता जा रहा है पर मैं, लेकिन वो परम दृष्टा जब भगवान के दर्शन होंगे वो फिर सब कुछ ऐसे परम दृष्टा जब फिर उसकी झांकी में कुछ बढ़ती है। He is 92 man, he is 92. Look at his energy levels. बिल्कुल ठीक रहता हूँ। Look at his skin man. बिल्कुल ध्यान, बिल्कुल ठीक रहता हूँ। Just like my father, मेरे पापा जैसे हैं बिल्कुल। तो मैं राधा रानी को याद करता हूँ और उधर पार्वती को याद करता हूँ, भोली शंकर को याद करता हूँ, राधा रानी को याद करता हूँ, प्रभुपाद को भी याद करता हूँ। तो एकदम कहते हैं ये खा लो, एकदम ठीक हो जाते हैं एकदम। और हरे कृष्णा जाप करना शुरू करते हैं हरे कृष्णा। अच्छा कहते मेरे दांत नहीं है, दांत तो मैंने कहा क्या हुआ? इतनी अच्छी स्किन है ना अंकल जी की, बिल्कुल जस्ट हम लोग फेल है। सुनो बादाम अखरोट चारों मगज और मूँगफली है मूँगफला है वो, और वो चारों मगज गरी और तिल सारे और कुछ कई तरह तरह की चीज़ें सब मिलाकर, हाँ सब मिलाकर ना दूध में पीते हो? नहीं सब मिलाकर पीस के रखी है। खाता हूँ ना, सी दिस इज व्हाट वी से कि ना पांचों मगज जो होते हैं सारे तिल भी और बेस्ट फॉर स्किन, ही डज दैट थिंग, ही इज सो इंटेलिजेंट। थी ना है? उसकी दूध की मलाई अकेले और उसके लिए कुछ नहीं खाता, फुलका नहीं खाता, अकेले मलाई खा लेते हो तभी तो आपकी स्किन इतनी अच्छी है। मलाई खा लेते हैं बड़ी अच्छी नींद आ जाती है। ही सेइंग कि ना मैं सुबह उठ के कुछ नहीं खाता, मैं सुबह उठ के जो दूध की मलाई होती है ना मैं वो खा लेता हूँ। लुक एट हिज स्किन यार, लुक एट हिज स्किन, बिल्कुल रेड है दादाजी अंकल जी ना बिल्कुल। आई मीन मैं फेल हूँ इनके सामने। क्या करता हूँ सुनो, एक कप तुलसी ड्रॉप्स है ना वो भी इस्तेमाल करता हूँ, तुलसी ड्रॉप्स। हाँ अंकल जी मुझे पता, मेरे पास भी है। आप फेस पे लगाते हो? आप फेस पे लगाते हो? नहीं मैं कभी कभी कोई इलाज ना हो ना फिर ऐसे कर लेता हूँ। अच्छा 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 ऐसे
जरा सी लगाता हूँ थोड़ा पड़ती है एकदम। अच्छा माइग्रेन हो ना, माइग्रेन उसके लिए बेस्ट है, इसे लगा दो आपका। मुझे है माइग्रेन है, मुझे माइग्रेन इसमें लगाओ, इसमें तुलसी का तेल। हाँ तुलसी नहीं, तुलसी की ड्रॉप्स। हाँ ड्रॉप्स लगा के दो। अच्छा मेरा देख लो 988-1585 मेरा मोबाइल नंबर है, 989-981-808-1535। क्या नाम है आपका? मदन लाल नारंग। मदन लाल नारंग। अच्छा नारंग जिनके कहाँ रहते हैं? यही पास ही रहता हूँ, ये जो है ना क्या नाम पी ब्लॉक है ना, ये ईस्ट ऑफ कैलाश है। नहीं, पी ब्लॉक है इधर, पी ब्लॉक है ये जो अंकल जी की स्किन देखो। हाँ देखो, आई मीन एक भी ना क्या बोलते हैं वो नहीं है, ब्लैक स्पॉट नहीं है, जस्ट लुक एट हिज स्किन, बिल्कुल बिल्कुल नरम, जस्ट लुक एट हिज स्किन, नो ब्लैक स्पॉट, नो रिंकल्स। रिंकल्स तो चलो एज 92 के हिसाब से भी बहुत कम है यार, 92 के हिसाब से भी अंकल जी की दांत नहीं है। अच्छा बाहर हाल में आप शुरू होने होंगे, अब बाल अपने आप शुरू हो गए, अब ये मैं अब गर्मी आ गई ना, ये हर महीने इसको अंकल जी के फेस पे ना एक भी ब्लैक स्पॉट नहीं, जैसे मेरे यहाँ पे ब्लैक स्पॉट है, यहाँ स्पॉट है ना जैसे वो दाने से हो गए, अंकल जी के ना एक भी मतलब ब्लैक स्पॉट नहीं है उनके फेस पे, और स्किन इतनी बढ़िया है ना, मतलब जस्ट लाइक माई फादर, जैसे मेरे पापा की स्किन थी ना, माई फादर डाइड 78-79, ही इज 92 मैन, नो ही इज 92 एंड लुक एट हिज एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स बिल्कुल बरकरार है अंकल जी की, गॉड ब्लेस हिम। व्हाई? भगवान के शरण में आ गए यार, लहसुन लहसुन नहीं खाते। पहले सुनो, पहले मैं मीट भी खाता, शराब भी पीता था, सिगरेट भी पड़ता, मेरे से बड़ा कोई पापी था ही नहीं इस धरती पे, इस बल्कि संसार में ना मेरे से बड़ा पापी कोई नहीं था, लेकिन जब से भगवान की शरण में आया ना सब झूठ गए। भगवान की शरण में भगवान में बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत है। What he is saying कि एक टाइम पे ये बहुत बड़े पापी थे, बहुत ज्यादा, कि खूब दारू पीना, खूब शराब पीना और खूब सिगरेट। अब जब इन्होंने भगवान की शरण ले ली, बुरी संगत में, बुरी संगत, भगवान ने इनको माफ कर दिया और भगवान ने इनको 92 इयर्स की लाइफ प्रदान करी है। दिस इज व्हाट, व्हेन यू नो योर फॉल्ट, आप अपनी गलती करेक्ट कर लो है ना, और उसको खुद ही सुधार कर लो, भगवान की शरण में आ जाओ टाइम से, भगवान उसमें भी खुश हो जाते हैं। ये नहीं है कि नहीं खुश होंगे, छुपाया ना छिपे, प्रेम छुपाया ना छुपे, जा घट प्रगट हुए, घट मैंने हृदय में, जा घट प्रगट हुए, मुख से कुछ बोले नहीं, नैन देते हैं रोए, जब आपके आंखों में आंसू आने शुरू हो गए ना तो आपके समझो भगवान प्रसन्नता आ गई। बिल्कुल जैसे चैतन्य प्रभु के आंखों में आंसू नाचते थे, आंखों में आंसू आते थे। बिल्कुल व्हाट ही इज सेइंग इज कि जब आपकी आंखों में आंसू आ जाए ना भगवान को देखते तो समझ लो कि आप भगवान आपसे खुश हो गए हैं, है ना, दिल से आपका लिंक अप हो गया भगवान का। जैसे चैतन्य प्रभु के आंखों में नाच, चैतन्य, आई लव दिस नेम, मैं अपने बेटे का नाम रखना चाहती थी चैतन्य, फिर हमने इसका नाम रखा यश, मेरी बहन ने मना कर दिया नहीं है ना चैतन्य मत रख, और मुझे चैतन्य नाम बड़ा अच्छा लग रहा था अपने बेटे के लिए उस टाइम कि मुझे चैतन्य रखना है, चैतन्य रखना है, मेरी बहन ने नहीं रखने दिया। आज देखो अंकल जी के मुंह से अभी भी चैतन्य नाम निकल गया। ये समझा करो जो ईश्वर की मर्जी, पता क्या हमें जो किया ना है, ये समझा करो जो ईश्वर की मर्जी, कुछ नहीं हो जाए तुम लोग जो ईश्वर की मर्जी, सब ईश्वर का छोड़ती हूँ, सब कुछ ईश्वर, सर्वधर्म परित्यागे माम एकम शरण प्राप्त अहम तुम सर्व पापे यो मोक्ष अमन भाव सुख है। बियॉन्ड ऑल रिलीजियस नेशंस सरेंडर टू मी अलोन, बियॉन्ड ऑल रिलीजियस नेशंस सरेंडर टू मी। मेरे तो आज के ना दर्शन हो गए, भाग्य भाग्य हो गए, मतलब पुण्य हो गए। मैं पता अंकल जी कैसे होती, मैंने कहा यार क्या करूँ क्या करूँ, संडे है तो चलो भाई इस्कॉन टेंपल होके आते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आई थी तो मेरे को ना अंदर के दर्शन नहीं हो पाए प्रभु के। तो वैसे तो मैं वो वाले रास्ते से जाती हूँ, वो जो सीढ़िया सीढ़िया ना उधर वाली, मैं भी उसे जाता हूँ, मगर इस बार मैं आई पीछे से। अच्छा ये जो हॉल वाला है। अच्छा अब जब हॉल वाला ही तो मैंने कहा अच्छा यहाँ पे लाइन लगी हुई है, यहाँ पे लाइन लगी हुई थी, ठीक है यहाँ पे लाइन लगी हुई थी, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी लंगर की, इसलिए उसे जाता हूँ। हाँ तो इस बार मैं पीछे से आई, जूते यहाँ पहले वहाँ जमा हो जाते हैं। हाँ 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 बाहर जमा हो जाते हैं, अंदर भी होते हैं जूते जमा। हाँ हमने सब बाहर जूते अपने जमा करा दिए, और आज देखो नहीं कोई टेंशन नहीं रखते, पता क्यों
टेंशन कभी नहीं रखनी कि चलो जो खिंचे है भगवान की मर्जी से, जो है बस सारा कुछ भगवान पे छोड़ते जाओ, जो कुछ है भगवान की मर्जी से, जो कुछ है भगवान की मर्जी से। Just like my thought, मैं भी कहती हूँ यार कुछ भी हो जाए सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, कुछ कुछ बुरा भी हो रहा है ना उसमें भगवान की मर्जी है। मेरी ये टोपी गुम हो गई थी ना, तो अंकल की टोपी गुम हो गई, ये टोपी गुम हो गई, ये टोपी गुम हो गई थी ये। अच्छा तो ये वो जिस थीवलर में गया ना वहाँ टोपी मुझे नजर नहीं आई है, तो टोपी नजर नहीं आई, मैं पागल हो गया, चलो टोपी नहीं आई, पैसे देना उसका, तो कहते बहू जी पैसे, मैंने कहा यार मैं तो भूल गया, उसके पैरों हाथ लगाया, यार मुझे क्षमा कर दो मैं भूल गया, कहते नहीं क्षमा मुझे मांगनी चाहिए, कहते कोई बात नहीं। अच्छा फिर उसने क्या किया, मैंने कहा चलो जो ईश्वर करता है इस तरह ही बना है भगवान की मर्जी है। उसी स्कूटर में ना, तो उस स्कूटर वाले ने वो जो आया ना एक रिक्शा वाला था उसको कहा कि वो जो है ना एक हरे कृष्ण बोलते ना हरे कृष्णा है, तो उसका घर जाकर देखो और देखो दो। तो मैंने घर की तरफ आया तो कहते हैं वो हरे कृष्णा कौन है, बोलते हैं हरे कृष्णा है, तो मेरी घर का यही घर है। कहता अच्छा मैं टोपी मेरे को थ्री व्हील वाला दे दिया तो आपको दे जाऊँगा। फिर मैं बाई चांस उधर से गया, उन्होंने टोपी दे दी। सो इनकी टोपी को गई थी अंकल जी की, अंकल जी हाँ थ्री व्हीलर में नजर नहीं आई, थ्री व्हीलर में अंकल ने खो दी थी, थ्री व्हीलर में नजर नहीं आई और थ्री व्हीलर में ही थी अंकल जी की टोपी, और थ्री व्हीलर वाला देख के गया अंकल जी की टोपी। भाई ये होते चमत्कार दुनिया में, मैंने खुद अपने 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 आंखों से मैंने भगवान जी को इंसान के रूप में देखा हुआ है ऋषिकेश में। मैंने ऋषिकेश मैं ऋषिकेश से हूँ ना, ऋषिकेश हरिद्वार। अच्छा अच्छा तो अच्छा अच्छा हम तो आगे गए थे नीलकंठ, मैं नीलकंठ भी गई थी। नीलकंठ अच्छा मैं वहां का नीलकंठ भी, पता क्या हुआ भगवान प्यार करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि ना मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैंने भगवान के बहुत कर लिए, मतलब ध्यान बहुत कर लिया, भगवान मेरा ध्यान करते हैं। हाँ देखो हमारे भगवान ध्यान करते हैं, भगवान मेरा बड़ा ध्यान करते हैं बहुत ज्यादा। जान पाते ना मैं 4 बजे बत्ती जलाता हूँ, मैं 9 बजे बंद करता हूँ, ये ना बिल्कुल पालन करता हूँ। अब मैं कोशिश करूँगा 4 बजे उठ के 4 बजे पहले नहाऊंगा, देखो प्राण चलेगा कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा। अरे सुपर सुपर पॉजिटिव एनर्जी की बात ही लगा दी है। अब एक हाँ वो रखनी शुरू करती व्रत, वो एक आदमी बहुत अच्छा होता है, सबसे अच्छा व्रत होता है एकादशी व्रत। और अगर और अच्छा करना है ना तो एक कांच के गिलास में एकादशी चांदनी पूर्णिमा रात को छत पे बर्तन रख दो कांच के गिलास में, और सुबह होने से पहले उसको पी लो, मुँह हाथ धो लो, नहा लो, आपका रंग ना गिर जाए। देखो कितने लोग आ रहे लंगर के लिए अभी, ये देखो वो करता है लड़का, मुझे दे जाते हैं वो जो ना आपको ना रात को रखते ना चांद, वो लड़का ठीक हो जाएगा, मुझे कोई चिंता नहीं। एक बात बताती हूँ, मेरे ना रोज सुबह ना सर में दर्द रहता था, बिना मतलब के सर में दर्द रहता था। बिल्कुल मैं आपको बात बताती हूँ, मैंने जब से श्री राम जी का झंडा अपने बेड पे रखा है ना मेरे को सर दर्द नहीं है। जब से मैंने श्री राम जी का झंडा रखा है ना, तो मेरे छत पे श्री राम जी का झंडा था, तो कल मैं एक झंडा नीचे उठा के ले आई अपने बेडरूम में, मैंने आज उससे रखा अपने तकिया पे श्री राम जी का झंडा, मेरे सर में बहुत हो रहा था दर्द, तो अंकल जी जब से मैंने झंडा रखा है ना भगवान जी का आशीर्वाद है ऐसे मेरे सर पे। मैं सही कह रही हूँ, नहीं तो मेरे मैं माइग्रेन पेशेंट हूँ, बिना मतलब की ना 4-5 दिन से मेरे सर में दर्द कंटिन्यूसली है, बिना मतलब की सर दर्द नहीं जा रहा। तो आज पहले तो मैंने वो झंडा रखा था बेड के पीछे अपने बिल्कुल तकिया के ऊपर, मुझे रात को बहुत अच्छी नींद आई, फिर सुबह उठ के मैंने वही झंडा श्री राम जी का ऐसे भी छाया अपनी तकिया पे, और मुझे ज्ञान आया कि मुझे जाना इस्कॉन टेम्पल, मुझे सीधा ज्ञान आया जाओ इस्कॉन टेम्पल। वैसे मैं नहाती नहीं हूँ 3-3 दिन, आज मैंने नहाया। क्या बात है, वाह 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 बहुत अच्छा, आज मैंने नहाया और आज मैंने कहा आज मैं जा रही हूँ इस्कॉन टेम्पल। फिर मैंने कहा पता नहीं कौन सी बस जाती कौन सी बस नहीं जाती है, पहली बस आई लक्ष्मी नगर से। अच्छा पहली बस आई, सीधा उसने मुझे बाहर उठाया उतारा डायरेक्ट स्टेशन पे, मैंने पूछ लिया अच्छी बस आई, और मैंने ड्राइवर से पूछ लिया कि क्या ये रास्ता जाता, उसने बोला हाँ, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यानी मैं आज भी फर्स्ट टाइम सेल्फ आई हूँ। ये तो चमत्कार बहुत होते हैं, भगवान जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे साथ, बहुत बहुत मैं बहुत बहुत भक्तन तो क्या ही बोले। प्रमाण पत्र दिया, सब कुछ दिया, तो मेरा रिटर्न कर, ये बड़ी बड़ी
निकालो। मुझे पता नहीं भगवान क्या एक कलम बूढ़ों के लिए भेज पालकी, तो मैंने कहा भगवान पालकी क्यों नहीं भेजा। अंकल जी बोलते आज उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई मेडिकल इश्यू नहीं है, जस्ट बिकॉज ही इज ऑल सात्विक बिल्कुल। और आप यकीन करोगे मेरे को ना 26 जनवरी से 25 जनवरी 26 27 तीन दिन से ना सर में बेमतलब का सर में दर्द हो रहा था, तो मुझे लगा शायद सर में ना ठंडा लग गया है, क्या लग गया, तो ये क्राउन एरिया ना क्राउन चक्रा ये वाला ये चक्रा ये दिस इज कॉल्ड सेक्रल चक्रा, यहाँ पे सर में दर्द रहता था। तो मैंने ना क्या करा, जो राम जी का जो झंडा है ना जिसमें जय श्री राम लिखा हुआ है जो अयोध्या वाला है, ये तो मैं छत से उतार के लिए आई, कल अपने रूम में रखा और आज मैंने अपने ना तकिया पे लगा दिया। जैसे मैंने तकिया पे लगाया बुखार खत्म और दौड़ने लगा, बच्चे का बुखार खत्म दौड़ने लगा। तो ये एनर्जीज होती हैं, एक्चुअली क्या होता है ना ये पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं। हाँ पॉजिटिव, जिन लोगों के ऊपर ऊपरी हवाओं का अटैक होता है ना बेमतलब का, नजर लगी हुई होती है, नजर लगी होती है या लोग हाई मार रहे होते हैं, बददुआएं दे रहे होते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी हमने उसके ऊपर रख दी और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी भगवान की राम की, तो वो नेगेटिव एनर्जी सप्रेस हो जाती है, खत्म हो जाती है, ये समझो ये सब चीजों को। इतना अच्छा बोल रहे हैं, सर्व तेरे चरण में सौंपिया, सर्व तेरे चरण में सौंपिया, पड़ा हूँ तोरे द्वारे, हैं तुम हो ठाकुर मेरे, आमीन कुकर तुम्हारे, मैं तुम्हारे द्वार का कुत्ता हूँ और मैं तुम्हारे से कुछ ही मांगूंगा, जो पुण्य आत्मा खाएंगी ना खाएंगी उनका वो चाट उनकी थाली चाट लूंगा, जैसे वो थे नारद मुनि चाट कर खा लूंगा, तो मैं तुम्हारे से और तेरे भक्तों को नाटा नाटा से। बोलो आप बोलो सर्व सर्व एस ए आर वी, नहीं नहीं आप बोलो वर्ड में बोलो लाइन, सर्व तेरे चरण में सौंपिया, हाँ। पड़ा हूँ तेरे तोरे द्वारे, ठीक है, तुम हो ठाकुर मेरे, तुम तो हो ठाकुर आमिन कुकर तुम्हारे, आप अमन कुकर जानिया हम तुम्हारे, मैं तुम्हारे द्वार का कुत्ता हूँ और जो आगे बड़ा लंबा है तो आगे है कि जो वो पुण्य आत्मा खाएंगी ना वो मैं तुम्हारे से कुछ ही मांगूंगा, उनके थाली चाट लिया करूँगा, उसके बाद चाट लिया करूँगा और जो तेरे भक्तों उनको तेरे द्वार लाया करूँगा नाचते नाचते, और जो तेरे दुश्मन होंगे ना हैं उनको मैं काटूँगा पटूंगा। ये कौन है वो जा सकता है जो भगवान, अच्छा ये कह रहे हैं कि ना मैं तेरे द्वार का कुकर, यानी कुकर जो होता है ना उसको संस्कृत वर्ड है ये कुत्ता, क्योंकि मैंने भी संस्कृत पढ़ी हुई है 10th क्लास तक, तो मुझे भी ये सारे वर्ड पता है, तो वो कह रहे हैं कि तेरे द्वार में जो भी आदमी आएगा ना तेरे को तंग करेगा उसको मैं काट दूंगा उसको मैं काटूंगा और जो थाली में जो खाना बचा होगा ना उसको मैं चाट के खाऊंगा, है ना, मतलब वो ये कह रहे हैं कि कुत्ता जैसे चाट के खाता है ना खाना, तो जो भी खाना तेरे भक्त खाएंगे ना वो प्लेट में चाट के खाऊंगा। जैसे नारद मुनि को कैसे मिली भक्ति, नारद मुनि की जो माँ थी ना, नारद मुनि की माँ वो बर्तन मांगती थी हैं, तो वो भी बेचारा बेटा भी चलता था तो वो चाट के खा लेता था नारद मुनि। आज ना मेरा दिन हो गया सफल मतलब की मर्जी है ना, आप देखो मेरी स्किन कितनी खुश है, मतलब मेरे को ना लाली आ गई है, मैंने कुछ नहीं बस एक क्रीम लगाया लिपस्टिक जो मैं लगा, और मैं तो अंकल जी के सामने फेल हूँ, अंकल जी तो इतने मतलब मैं नजर नहीं लगाना चाहती, अंकल जी आपकी तो मैं नजर उतारू अंकल जी बहुत क्यूट है, बहुत नॉलेजेबल है। मैं सेवा करता था भाई साहब पहले ना, मैं जब बर्तन सारे बंद हो जाते थे ना, सारे दीवान बंद हो जाते तब मैं जाता था, और एक दफा बड़ा एक्सीडेंट का बड़ा भरा, इतना मेरा खून सिर्फ मेरी आंखें मटी इधर सारे चोटे मेरा खून बह रहा था, एक 12 साल का लड़का एक 14 साल का, कि अंकल आपकी बड़ा खून बह रहा है, मैं कह कोई बात नहीं ये सारे पापों का फल है बहन, फिर उसके बाद कहते हैं तुम्हें हाथ ले चलते हैं, मैं कह कोई नहीं, फिर वो कहती है मुझे तुम्हें घर में छोड़ाते हैं, मैं कोई, मुझे कई दफ़ा ऐसे चांस हुए जो भगवान स्वयं दर्शन देते हैं ना, कई दफ़ा चांस हुए लेकिन मैं पहचान नहीं सकता, मैं पहचाना नहीं जाता। वो गरीब में भी आते हैं, भिखारी में भी आते हैं, ठेले वाले में भी आते हैं, लंदन में ऐसे हुआ, लंदन में वो जो हमने रास्ता नहीं मिल रहा था तो दो लड़के हैं, एक गोरा दूसरा सामने रंग का, तो मुझे वो जो ना वॉशरूम में छोड़ा है, अंदर जाके छोड़ा है। उसके बाद क्या हुआ, जब वो हम कहते हैं हम क्या बोलिए तो वहाँ नजर नहीं आए। अच्छा दो लड़के अंकल जी को टॉयलेट में छोड़ के आए, तो अंकल जी को वो दो लड़के नजर नहीं आए, एक गोरा था एक सांवला था, कौन हुए
दाऊ भैया नित्यानंद प्रभु थे, एक किशन भगवान थे ना, किशन जी थोड़े से सांवले थे, दाऊ भैया थे गोरे गोरे है ना, दोनों भाई 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 आए थे अंकल जी को टॉयलेट तक छोड़ के चले गए, अंदर तक छोड़ा है मेरे चौका मार, उसके बाद ना वो गायब हो गए। प्रभु होते हैं यार, कौन कहता है प्रभु नहीं होते हैं, मतलब पता है प्रभु ना तुम्हें नजर थोनाएंगे, बांसुरी बांसुरी लेके थोनाएंगे, सूक्ष्म देखो हम आत्मा को, मॉडर्न 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 कपड़ों में भी होते हैं, मैंने तो देखे हुए, आत्मा को नहीं देख सकते हैं हम आत्मा आत्मा को नहीं देख सकते, तो परमात्मा को उससे भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म से सूक्ष्म तू है, सोल इतना कि सारा जगत तेरे में समाता, जय जय पिता परम आनंद दाता है, जगत आदि कारण ते मुक्ति प्रदाता, सूक्ष्म से सूक्ष्म तू है, सथोल इतना कि सारा जगत तेरे में समाता। तो प्यारी लाइन बोले ना, बहुत प्यारी लाइन बोले, बहुत सारे आते हैं भजन तिथि आती है, कुछ ना कुछ ज्ञान लिया करो, ऐसे लोगों के साथ बैठा करो, ये क्या तुम जवानी में क्लब वगैरह करते रहते हो, सिगरेट पीते हो, दारू पीते हो, ऐसे लोगों के साथ बैठ के ज्ञान लेना चाहिए, ये ज्ञान होता है। था नाम धर्मस्य यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर भक्ति भावता, अभिथा नाम धर्मस्य तदा आत्मनः श्री जान्य हम प्राधानी साधुना विनाशाय दुष्कृतम धर्म संस्था अपना अर्थाय अहम भवानी युगे युगे। अब भवानी युगे, ये महाभारत की फर्स्ट फोर लाइंस हुआ करती थी, आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू बी सो स्मॉल, और ये लाइन सुनते ना ऐसे गूज बम्स आते थे ना सुन के, मतलब मुझे आज भी लाइन याद नहीं, अंकल जी को याद है यार, सारे याद है, सारी याद है, भगवत गीता तो ईश्वर की कृपा से, सच्ची बात बताओ भगवत गीता की कृपा, भगवान की कृपा से ना भगवत गीता तो रोम रोम में बस गई है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है वो एकदम श्लोक याद आता है, फिर श्लोक याद आती है, जब जब अच्छा एक और सुनता हूँ, एक और सुनाओ एक कलम, जन्म कर्म चा मे दिव्यम, जन्म कर्म चा मे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्विता है तत्ता देहम पुनर्जन्म ना एति माम एति चो अर्जुना, सीधा मन मेरे पास आता है, तत्ता देहम देह छोड़ने के बाद तत्ता देहम पुनर्जन्म दोबारा जन्मी था, पुनर्जन्म ना एति माम एति मेरे पास आता है सीधा चो अर्जुना। एक और अंत काले चा माम एव समरण मुक्ता क्लेवरम, अंत काल क्या मैम चंद्र स्वर्ण मुक्ता कलेवरम, ये शरीर छोड़ता ना, या प्रयाति सा मत भामम जाति ना अति अत्र, इसमें कोई संदेश नहीं, वो अंतकाल में जो मेरा भजन करता है ना वो सीधा मेरे अंतकाल में तभी होगा कि आप भजन करते रहोगे, जब अपने प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे हैं, आपने प्रैक्टिस नहीं करा अंतकाल से कैसे नहीं निकलेगा, अंतकाल में है तो तभी नाम निकलेगा जब आपका प्रैक्टिस हो लगातार, हर एक हिस्सा पहाड़ से गिरो, हर एक हिस्सा कहीं से गिरो, हर एक हिस्सा जहाज से निकलोगे, जहाज से गिरोगे, हर एक हिस्सा अपने ऑटोमेटिक मुंह से निकलना चाहिए, तभी आनंद आना शुरू हो। वो क्या कह रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन हो, मुँह से हरे कृष्णा निकलना चाहिए, प्रैक्टिस हो रही होगी, जब तुम बोलते रहोगे तभी तो तुम्हें प्रैक्टिस होगी, जब तुम बोलोगे ही नहीं तुम्हें कहाँ से प्रैक्टिस होगी, नहीं प्रैक्टिस होगी। मैं अपने आप जो मैंने खुद लिखे, प्रभु जी तुम बिन कौन सहाय, प्रभु जी तुम बिन कौन सहाय, दर दर भटक्यो सारे उभर या, दर दर दरहर के पास गया, दर दर भटक्यो सारे कौन सहाय, जब से आयो प्रभु तेरी शरण में, जब से आयो प्रभु तेरी शरण में, प्यार की डोरी सुनाई प्रभु जी तुम बिना कौन सहाय, प्यार की लोरी क्या है हरे कृष्णा, प्यार की लोरी क्या है हरे कृष्णा हरे रामा, भजन गाया अंकल जी ने, खुद रचना करता हूँ, रचना रात को मुझे नींद नहीं आती। अंकल जी ने ये भजन खुद लिखा हुआ है, जब भी होता ना उसी वक्त लिखना शुरू करता हूँ, तो किसी ना किसी का भजन याद आता है, मैं जब भी करता हूँ ना आ जाता है।
प्रभु जी वो पट खुल गए, हरे कृष्णा पट, सवा चार तो नहीं बजे अभी, तभी हम अपने बाबा जी के साथ खूब ज्ञान ले रहे हैं। बाबा जी की वीडियो जाएगी यूट्यूब पे। अंकल जी को पता नहीं, अंकल जी आप कितने बड़े चीज में, मैं तो सब आपके चरणों का दास हूं भैया, आपके चरणों की माटी से। हम वैसे तो अमृतसर से हैं, मगर मैं दिल्ली में भी रहती हूँ, यहाँ लक्ष्मी नगर। भारत माता की जय, बड़ी चोट चोट की बड़ा आनंद आया। तो ये होता है भैया, ये होता है, जज्बा आता है, खुद में एनर्जी आती है, पता है ये हमारे कंट्रोल में ही नहीं होता। हम लोग, हमें पता ही नहीं होता, हम जय जयकार लगा रहे हैं, हम नारे लगा रहे हैं, हम जय कृष्णा बोल रहे हैं, पार्लियामेंट का वंदे मातरम बोला जाता है, पार्लियामेंट में वंदे मातरम को ओवैसी बाहर निकल जाता है। ये प्रभु जी है यहाँ पे सेवा सेवा करते हैं, यही रहते हैं परमानेंट। अच्छा, तो यहाँ पे सेवा कार का क्या प्रोसेस है, सेवा कैसे? सेवा का मतलब सेवा भाव तो हर चीज में होनी नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर कोई यहाँ पे सेवा करना चाहता है, रहना चाहता है, तो क्या आप उसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये माता जी, पहली बात तो यहाँ क्लासेस में जुड़ना पड़ता है। अच्छा, यहाँ भगवत क्लास है जी, हर संडे को होता है, जी को भी होता है, तो जी क्लास में जुड़ते जाएंगे तो लोगों के टच में आते जाएंगे। जी जी, धीरे धीरे वो माला सिखाएंगे करने के लिए आपको, जी जब हरे कृष्णा का। हाँ, उसके बाद धीरे 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 आप जब जब करने लगेंगे तो दीक्षा भी दिलवा देंगे गुरु महाराज से, तो एक परिवार की तरह आप हमेशा। अच्छा, तो यानी एकदम से ऑन द स्पॉट नहीं आप बन सकते, आप जब यहाँ पे रेगुलर आएंगे आपको गुरु दक्षिणा करना पड़ेगा, आप ग्रुप के साथ, हाँ जब करनी पड़ेगी, माला जपनी पड़ेगी, भगवद गीता पढ़नी पड़ेगी। इट इज नॉट नहीं, वहाँ से एग्जिट है, यहाँ से जा रहे हैं, देखो ना वो जो खड़े हैं ना वहाँ पे गार्ड, गार्ड वहाँ से खड़े हैं, वही अंदर घुस रहे हैं, वहाँ से चले। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे राम Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare।
ये वृंदावन यूपी का है, ये मुंबई जुहू, यहाँ पे भी मैं गई हुई हूँ, मुंबई में गई हुई हूँ मैं, मायापुर नहीं गई। तो यहाँ पे ना सारे जितने भी इस्कॉन टेम्पल के ना अलग अलग स्टेट के सबके वो लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ये प्रभु जी मुझे अंदर तक लिया है, वीआईपी गेट से लिया है। इनके बहुत सारे क्वेरीज है कि हेलो। अच्छा ये दिल्ली में तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। वृंदाए तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमः। श्रीमती तुलसी महारानी की सब लोग खड़े हो जाइए, तुलसी आरती होगी। हरे कृष्ण नमो नमः।
Yeah.
वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्रीमती तुलसी महारानी की। तो अभी भगवान को भोग लग रहा है, तो 6:30 बजे संध्या आरती होगी। सभी लोग आगे होकर बैठ जाइए। हरे कृष्ण। मुझे 7:00 बज गए हैं। अंदर इतनी अच्छी आरती हुई कि मतलब समझ ही नहीं आया। आरती हो रही, भजन हो रहे, आरती हो रही, भजन हो रहे। तो जा रही हूँ मैं वापस। बहुत अच्छा दिन रहा मेरा आज का, बहुत बढ़िया। मतलब 2 मालाएं भी मिली मुझे प्रभु की। ये एंट्रेंस है पीछे, ठीक है ना। और ये ना ऐसे दिखा देती हूँ, ये नारायण जी की बनी हुई है और ये एक और बनी हुई है मूर्ति। ये यहाँ पे भारी है फूल बल वाला ना। तो ये गेट नंबर 1 से एंट्री है आप लोगों की, ध्यान रखना गेट नंबर 1 है ये एंट्री है। मैं यहाँ से एग्जिट कर रही हूँ मगर एंट्री ये है, ठीक है। ये ऐसी एंट्री है, ध्यान रखना। तो राधे राधे सबको। गोइंग बैक टू पवेलियन। और बहुत हलचल हो गई है शाम को, अब ज़्यादा क्राउड आ गया। संडे भी है ना वैसे भी, तो क्राउड ज़्यादा आ गया। अब लूँगी ऑटो बस स्टैंड तक एंड देन बसेस तो चलेंगे यार। 10-12 बजे तक तो चलती है हमारी दिल्ली में बसेस। बस ये सर्दी है तो थोड़ा सा प्रिकॉटिव रहना पड़ता है, और कुछ नहीं। ऑटो बहुत प्यारा मिला है, फीमेल दीदी ड्राइवर है। और ऑटो बहुत बढ़िया है, पर्पल कलर का ड्राइवर ऑटो है। ये सामने है देखो, मैं दिखा देती हूँ। ये रहा मंदिर सामने। बहुत रश है, संडे को तो बहुत रश रहता है यार। संडे है ना, सर्दी भी है, सर्दी भी। अंदर भी बैठ, अंदर बैठा है। बाहर बस स्टैंड तक छोड़ देना बस दीदी। आप मैम मैसेज मेरे साथ आगे आ जाओ। मैं आगे नहीं बैठूंगी, नहीं बैठ रहा हूँ। जल्दी आ जाओ भैया। इनको कहाँ जाना है? खाली होगा तो अभी कहने के बैठे तो कैसे। अरे तो कोई बात नहीं भैया, मैं बस स्टैंड उतरूंगी बाहर।